हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हमारा फोकस होगा टू लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ दीज थ्री टर्म्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम, एक सिंगल एटम का मास। नंबर टू, मॉलिक्यूलर मास विच इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टर्म इज मोलर मास विच इज मास ऑफ वन मोल। इन अनदर वर्ड, इट इज मास ऑफ 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स। सो दैट्स वॉट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इज अबाउट मास ऑफ वन पार्टिकल, वाइल मोलर मास इज अबाउट मास ऑफ 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। अगर हम 6.022 × 10³³ एटम्स की बात कर रहे हैं तो इसके मास को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर हम 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स की बात करें देन इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मोलर मास की दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ग्राम एटॉमिक मास विच इज़ एब्रीवेटेड एज GAM, एंड अनदर इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज़ एब्रीवेटेड एज GMM। नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कि हम नाइट्रोजन के मास को कभी कभी 14U लिखते हैं और कभी कभी 14 ग्राम। सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो वेन वी आर राइटिंग 14U, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, एंड वेन वी राइट 14 ग्राम देन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, वन मोल एटम्स का मास। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। Till now, you might be aware of some basic atomic masses, like carbon ka atomic mass hota hai 12U, nitrogen ka 14U, oxygen ka 16U. But you might be wondering, do we need to learn all 118 elements atomic masses? And the answer is no, you don't need to. 118 elements mein se kuch 28-30 element hai jinke atomic mass yaad hone chahiye. So I am adding those atomic masses here. I will suggest you to pause and write it down. So do you need to cram this list? No, not at all. जैसे जैसे आप mole concepts के numerical की practice करते जाएंगे, you will gradually learn all these atomic masses. और वो elements जो इस list में नहीं हैं, like thorium, zirconium, tungsten, you will be given their atomic masses if they come. Now the next thing is calculating molecular mass. Water, calcium hydroxide and N2SO4 10H2O. अगर आप इन तीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं देन यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टाइप। लेट्स स्टार्ट विथ वाटर। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एटम के मास को ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो वाटर के केस में हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 18। और क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं सो वी विल राइट 18U। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इनिशियली इसका स्ट्रक्चर समझना इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम एटम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, सो वी विल राइट 40 एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल बी 16+1। और क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं सो वी विल राइट 2 × 16+1। And on calculation, we will get 74U. Now Na2SO4 10H2O. इसमें 2 सोडियम हैं, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 10 वाटर मॉलिक्यूल। सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 23 + 32 + 4 × 16 + 10 × 18। सो यू कैन कैलकुलेट इट बाई योर सेल्फ। What is the result? Put it in the comment section. So basically, आपको molecule के structure की समझ होनी चाहिए। If you are saying Na2SO4 10H2O, it means we have 10H2O molecule and not 10H2 and 1 oxygen molecule. Water के case में mass can be written as 18U or 18 gram. When it's 18U, it is molecular mass, and when it is 18 gram, then it is gram molecular mass.
Now let's see relation between 1 mole and molar mass and molar volume. 1 mole, as we know, it is 6.022 into 10 to the power 23 particles. Atom ke case mein 1 mole will be 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Aur itne atoms ka mass hota hai gram atomic mass ke barabar. Next is molecule. Molecule ke case mein 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Aur itne molecules ka mass hota hai gram molecular mass ke barabar. Now, relation between mole and molar volume. This relation is used for gaseous particle. Aur is case mein 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 gaseous particle. Aur itne particles ka volume hamesha 22.4 liter hota hai. Aur is volume ko hum molar volume kehte hain. As we know, pressure or temperature change karne par gas ka volume change ho jata hai. So, 1 mole is equal to 22.4 liter at standard pressure and temperature condition, STP condition. And STP condition means pressure should be 1 atmosphere and temperature should be 273 Kelvin. No matter which gas we are talking about, carbon dioxide, ammonia, sulfur dioxide, sulfur trioxide, 1 mole is always 22.4 liter at STP condition. So here we have 4 formulas that will help you solve any kind of mole concept numericals. Now let's understand each formula one by one. First one is for atomic substance. So atomic substance ke case mein number of moles ka formula hota hai. Number of moles is equal to given mass by gram atomic mass. Short form mein we can write it as N is equal to M by GAM. Next one is for molecule. It is number of moles is equal to given mass by gram molecular mass. And in short form, it is written as N is equal to M upon GMM. Aur agar gaseous substance ki baat kare, then it will be number of moles is equal to volume at STP conditions in liter divided by 22.4 liter. And in short form, it is written as N is equal to V by 22.4 liter. In case you are given number of particles, like number of atoms, number of molecules, or number of ion, then use this formula. Number of moles is equal to number of particles upon Avogadro number. In this case, Avogadro is nothing but 6.022 into 10 to the power 23 particle. So in short, we will write it as small n is equal to capital N upon Na. Now we will learn how to use these formula. So let's do some numericals. Our first question is to calculate number of moles in 392 gram of H2SO4. Is question mein hume number of moles nikalna hai and we are dealing with molecular substance. So we will use N is equal to M upon GMM. Yahan pe given mass hai 392 gram aur gram molecular mass calculate karna hoga. So gram molecular mass of H2SO4 will be 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16. And on calculating it, we will get 98 gram. So we know M and GMM, we will put it here and calculate number of moles. Next question. Calculate number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide at STP. So we will use N is equal to V at STP upon 22.4. Now, volume at STP condition in this question is 44.8 liter. So just put it here and calculate number of moles. So that's how we convert grams to moles or liters to moles. In some question, we need to convert moles to grams or moles to liters. Aise case mein bhi hum same hi formula use karenge. Let's understand it with this formula. N is equal to M upon GMM. Agar aapko moles diya hua hai and you want to calculate mass of the substance. N diya hua hai, gram molecular mass aap nikal lenge. So inki value dalne ke baad you can calculate mass of the substance. Now next question. Calculate number of atoms of the constituent element in 53 gram of Na2CO3. Is question mein hame ye pata lagana hai ki 53 gram Na2CO3 mein sodium atom, carbon atom aur oxygen atom kitne hain. To is question mein hum number of moles nikalenge. Number of moles se number of Na2CO3 molecule nikalenge
और नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स। सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास इज 53 ग्राम। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 106 ग्राम। सो n इज इक्वल टू m अपॉन gmm। m इज 53 एंड gmm इज 106। सो ऑन पुटिंग इट वी विल गेट 0.5 मोल। एंड वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। सो 0.5 मोल विल बी 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। सो वी विल गेट 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट स्टेप। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 देयर आर टू सोडियम एटम, वन कार्बन एटम एंड थ्री ऑक्सीजन एटम। सो अगर Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में दो सोडियम एटम हैं तो 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इट विल बी 2 इंटू 3.011 इंटू 10^23। एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है। सो 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स में 3.011 इंटू 10^23 कार्बन एटम होंगे। सिमिलरली एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में तीन कार्बन एटम हैं। सो 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स में होंगे 3 इंटू 3.011 इंटू 10^23। सो अब आप मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? N इज इक्वल टू वी एट STP अपॉन 22.4 लीटर। पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम एट STP कंडीशन नहीं दिया है। STP कंडीशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्वेश्चन में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 केल्विन। सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को STP कंडीशन में चेंज करना होगा। सो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड दिस टेबल। सो B1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, V1 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन। P2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन। और हमें क्वेश्चन में V2 निकालना है। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज P1V1 upon T1 इज इक्वल टू P2V2 upon T2। यहाँ पे हमें P1, V1, T1, P2 और T2 पता है। वी विल पुट इट एंड कैलकुलेट V2। सो ऑन कैलकुलेशन V2 इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो इन द फॉर्मूला वॉल्यूम शुड बी एट STP एंड ऑल्सो इन लीटर। सो 700 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। सो इट विल बी 700/1000 लीटर और 0.7 लीटर। नाउ यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वी आर डूइंग हियर विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सो वी कैन डू इट विद इन टू स्टेप्स। हम जानते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और सिल्वर के केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। सो यूजिंग यूनिटरी मेथड मास ऑफ वन सिल्वर एटम विल बी 108 अपॉन 6.022 इंटू 10^23। नाउ द रेस्ट पार्ट इज मैथ्स। सो सॉल्व इट एंड लेट अस नो व्हाट इज द आंसर, और यू कैन चेक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस इट देयर। And also you can ask your doubts. And don't forget to subscribe, like, share and comment.